Good morning, guys. Assalamu alaikum. Welcome to another day of eating, full day of eating with me. This time, I will show you what I eat in the morning to lose weight, yani ke to lose fat while maintaining as much muscle as possible. तो भाई ऐसा दिख रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा फैट गिरा है मेरा। आज हम खाएंगे नाश्ते में एज अ कार्ब सोर्स, वरना प्रोटीन तो आपको पता क्या होनी है, नहीं पता बता देता हूँ। डॉन्स ब्राउन ब्रेड, जिसकी एक स्लाइस में 60 कैलोरीज हैं, आई होप नजर आ रहे हैं, और कार्ब्स हैं 12 ग्राम ऑफ कार्ब्स, तो ये मेरा मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होगा, ठीक हो क्या? साथ में मेरा यार इस फोकस ही नहीं हो रहा, साथ में मेरा वही स्टेपल जो रोज मैं खाता हूँ, 5 एग वाइट्स, थोड़ी सी इसमें जल्दी गिर गया, जो कि हमने बनाया हुआ है 1/2 टेबल स्पून ऑफ लाइट ऑलिव ऑयल। डालते हैं थोड़ी काली मिर्च और नमक, और एक स्लाइस ऑफ ब्रेड में हम लगाएंगे 1/2 टेबल स्पून ऑफ नटेला। अब आप कह रहे हो कि नटेला ये तो चीनी होती है, ये तो वो, मतलब हर चीज़ होती है बुरी, सैचुरेटेड फैट्स और ये और वो। देखें, 1/2 टेबल स्पून से पहली बात कुछ नहीं होता, दूसरी बात कैलोरीज हम गिन रहे हैं ना, एक्यूरेटली गिन रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ गिन रहे हैं, तो फ़र्क आता जाएगा। क्योंकि आपके सामने है, कुछ हफ्तों से 1.5 महीने से मैं इस फैट लॉस फेज में हूँ, शायद 2 महीने हो गए, मैं भूल गया हूँ, और इस तरह की चीनी थोड़ी बहुत, चीनी वाली चीज़ें थोड़ी बहुत मैं खा लेता हूँ, उनको मैं गिनता हूँ, कंट्रोल्ड अमाउंट में खाता हूँ, और कुछ भी नहीं होता, रिजल्ट्स आते जाते हैं। मज़े की बात मैंने आप लोगों को बतानी थी, दो मज़े की बातें हैं। नंबर जीरो, पीछे बहुत ज़्यादा गंद है, उधर ना देखें। नंबर वन, आज मैंने जाना है ऑफिस, मैं रोज़ ऑफिस नहीं जाता, कभी घर से काम करता हूँ, कभी ऑफिस से काम करता हूँ, तो आज सोचा ऑफिस से काम कर लूँ। तो आप लोग देखेंगे कि एक ऑफिस लाइफ के साथ, ऑफिस रूटीन के साथ हम अपनी डाइट कैसे बरकरार रख सकते हैं। सेकंड बात जो आपको शायद मज़ा आए इस बात का, मुझे तो इतना मज़ा नहीं आया, कि मेरा प्रोटीन हुआ हुआ है ख़त्म। सिंस मेरा प्रोटीन ख़त्म हुआ हुआ है, तो मुझे पूरा दिन सॉलिड फूड्स खाने होंगे। तो अब खास तौर पे मेरे बॉडी बिल्डर दोस्त देखेंगे कि प्रोटीन पाउडर के बगैर हम अपने दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स कैसे मीट कर सकते हैं, स्पेशली जब आपकी थोड़ी सी बिजी लाइफ है और आपने इधर उधर जाना है, तो कैसे खाने प्रिपेयर करने हैं, कौन से खाने प्रिपेयर करने हैं, और किस तरह का लंच लेके जा सकते हैं ऑफिस में, क्या कर सकते हैं। तो तैयार होते हैं और ऑफिस जाते हैं और वहाँ से कंटिन्यू करते हैं, क्या ख्याल है? तो हो गया यार हम तैयार, उन जंगली बालों का भी कुछ कर लिया, क्योंकि ऑफिस जाने तो थोड़ी शक्ल दिखाने के काबिल होनी चाहिए, तो आए मेरे साथ चलते हैं। तो यार हो रहे हम थोड़ा सा लेट, बट दैट्स ओके बिकॉज आई एम ग्रेट। एक्चुअली इतना भी लेट नहीं हो रहे, 2 बजे तक मैंने पहुंचना है, और मेरा ख्याल है 5 मिनट लेट में पहुंचूंगा मैक्सिमम। तो हम गए हैं, बट पार्किंग नहीं मिलती इधर यार, 10 मिनट उसमें गायब, आपके गायब कह रहे हूँ, जाया हो जाते हैं। ओह मिल गए। लॉल्स, हमारा पहला खाना जो था तकरीबन 4 घंटे हो गया मैं खाए हुए। तो यहाँ पे ये पॉइंट होता है जहाँ पे मैं एक प्रोटीन शेक पीता हूँ, आराम से बंदा शेक बना के पी लेता है। प्रोटीन नहीं है हमारे पास, तो हमें कुछ सॉलिड फूड चाहिए। यूजली मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि यार हर दिन आप, अगर आपके पास प्रोटीन पाउडर नहीं है, तो हर दिन बंदा बाहर से ना ही खाए तो बेहतर है, खासतौर पर आजकल की इन्फ्लेशन में, क्योंकि काफी पैसा आपका जाया होगा। तो बेहतर ये है कि आप घर से चीज़ें लाएं, जैसे कि मैं आज के रात के खाने के लिए घर से लाया हुआ हूँ, लेकिन अभी भी भूख मुझे लग रही है, रात के खाने में थोड़ा टाइम है, तब हम प्रॉपर अपनी लंच स्लैश डिनर ब्रेक करेंगे। तो खैर चलते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ हम कहाँ पे जा रहे हैं।
हाँ ये भी डालें, सारी डालनी तकरीबन, जो नहीं डालनी मैं बता देता हूँ। ऑलिव्स भी करते हैं, अनियंस भी, क्या से कम छोड़ते हैं, हैलोपिनोज थोड़े से करते हैं, एक सिंपल वाला करते हैं, एक चपली डबल मीट करते हैं, और इसमें चीज भी डालते हैं, चीज आप करते हैं लाइट मेयो करते हैं, और करते हैं चिली सॉस है, और मस्टर्ड करते हैं, ये मस्टर्ड बस बस काफ़ी का, ये अच्छा ये ऑरेगानो सीजनिंग है, ये भी डालते हैं, बस काफ़ी काफ़ी का। तो भाई हो गया खाने का टाइम, हम खाएंगे अपना मेन खाना, आई गेस मेन खाना दिन का, जिसमें कार्ब्स होंगे, पिछले खाने में कार्ब्स ही नहीं थे, तो देखते हैं कि यार मैं क्या लाया हूँ खाना और किस तरह हम इसको खाएंगे। तो ये रहा हमारे रात का खाना, इसमें हमने सारन बनाया हुआ है 4 KNNs के सीख कबाब का, जिसमें 1 टेबल स्पून हमने ऑलिव ऑयल यूज़ किया हुआ है, और साथ में सैलड है 0 कैलोरीज, और 1 रोटी पतीरी रोटी तंदूर की बनी हुई। ओके भाई डन विद वर्क, 11:30 हो रहे हैं रात के, सोचा था कि यार आप लोगों को फैंसी कॉफ़ी मशीन दिखाऊं ऑफिस की, लेकिन फिर मेरा एकदम से दिल किया कि घर जाके घर की चाय पीता हूं, पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसे भी होता है, तो घर चलते हैं और घर में पोस्ट डिनर चाय पीते हैं, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे दिन के आखिरी 2 मील्स या सभी 2 मील्स रहते हैं, क्योंकि प्रोटीन पाउडर नहीं है, तो वो आखिरी 2 मील्स मेरे क्या होंगे। आए और ये रही जी हमारी चाय, इसके मैक्रोज मैंने आप लोग को मेरे हाल बताए हुए हैं, लेकिन जस्ट इन केस आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे आप। अभी हम क्या खाने लगे हैं, मेरा सेकंड लास्ट मील ऑफ द डे, थोड़ा सा टाइम रहेगा तो ये 2 मील्स जो है ना ये जल्दी जल्दी बस हम खा लेंगे। 5 अंडे, पूरे अंडे नहीं, एग वाइट्स हम खाएंगे। एग वाइट्स क्यों खाएंगे, क्योंकि फैट की गुंजाइश इतनी नहीं है फिलहाल मेरी आज की डाइट में। दिन में मैंने अपने टोटल फैट की काउंट रखी हुई है, 55 ग्राम्स ऑफ फैट मैंने रोज खाना है, ये अगर मैं योग्स वगैरह खा लूँ तो एक तो मुझे सूट नहीं करते बहुत ज़्यादा योग्स खाना, दूसरा के फैट ऊपर चला जाएगा, तो जल्दी से अब ये खाते हैं। ओके यार एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो गया, तो जल्दी से हम रैप अप दिस वीडियो, आपको मैं अपना लास्ट मील दिखाता हूँ, सिंपल सा इजी सा क्या लास्ट मील है। चिकन आपको नज़र आ रहा है, आप सोच रहे होंगे कि अच्छा इतना चिकन खाने सोने से पहले, नहीं इसमें से मैं सिर्फ 3 ounces खाऊंगा। 3 ounces क्या होता है, एक ये चिकन रेस की बोटी, ठीक है, एक ये बोटी, ठीक है, और इसी साइज़ की एक और, मे बी दिस वन, 1, 2, 3, ये 3 ounces या मे बी इस तरह की 4 बोटियाँ, जो कि ऑलमोस्ट 4 ounces हो जाएगा। तो ये होगा मेरा लास्ट मील, 3-4 ounces ऑफ चिकन एज अ प्रोटीन सोर्स। इतनी कम कैलोरीज क्यों, क्योंकि आज तो मैं ऑफिस गया हूँ, बट यूजली मैं ऑफिस नहीं जाता, घर से ही काम करता हूँ, तो मेरा जो लाइफ स्टाइल है ना वो बहुत सेडेंट्री हुआ है, कि भाई जिम जाने के अलावा ना पूरा दिन बैठे रहता हूँ, कार्डियो करने के अलावा पूरा दिन बैठे रहता हूँ, तो पहले ऐसे नहीं होता था, कोरोना के बाद से ऐसा सीन शुरू हो गया है, तो ऐसे लाइफस्टाइल के साथ कैलोरीज भी मुझे फैट लॉस करने के लिए कैलोरीज काफ़ी कम खानी पड़ रही, इतनी कम मेरा नहीं ख्याल मैंने कभी खाई है इतनी कम कैलोरीज, क्योंकि हमेशा मेरे लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ होता था, कि जॉब होती थी तो रोज़ ऑफिस जाना होता था, यूनिवर्सिटी होती थी तो भाई उसमें इधर उधर चलना फिरना है ये वो, तो इतना मतलब कि ना वर्क फ्रॉम होम वाला सिनेरियो, एक जगह बैठ के कंप्यूटर पे काम, राइट लेफ्ट कोई नहीं है, आप अकेले हो काम किए जा रहे हो, तो आपकी जो नॉन एक्सरसाइज रिलेटेड एक्टिविटी है मेरी खासतौर पर वो बड़ी कम हुई भी है, इस वजह से जब मुझे फैट लॉस करना पड़ रहा है तो कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा कम करनी पड़ रही है, क्योंकि कुछ खास बर्न ही नहीं होती यार जिम के अलावा, तो ये सिस्टम यार इस वजह से कैलोरीज इतनी कम है। टोटल कैलोरीज मेरे दिन की आपके सामने आ जाएंगी अब।
तो हाँ भाई, दैट्स प्रीटी मच इट। अ डिस्क्लेमर, ये जो मेरी डाइट है ये मेरी डाइट है, ये मेरे लिए है, ये मेरे वेट हाइट एक्टिविटी लेवल जेनेटिक्स बॉडी टाइप हर चीज़ के मुताबिक है, जो मैंने काफ़ी ट्रायल एंड एरर काफ़ी नेट प्रैक्टिस के बाद निकाली है, जो फिलहाल मेरे लिए काम कर रही है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, इसको एग्जैक्ट फॉलो ना करें, इससे आइडियाज़ ले लें क्या, चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं, उस तरह कर लेते हैं, एंड ट्राई टू स्लोली फिगर आउट कि यार आपके लिए कितनी कैलोरीज ठीक है, कितनी प्रोटीन ठीक है, ये और वो। और मुझे पता है कि गिनना वगैरह मुश्किल होता है, ख़ासतौर पर स्टार्ट में गिनना कि भाई ये इतना तो ये उतना तो इतना, ये मुश्किल होता है, लेकिन एक दफ़ा आदत पड़ जाए ना, जैसे कि अभी आपको मैंने चिकन दिखाया कि भाई मैं इसको वे नहीं कर रहा, आंखों से देख रहे भाई। तो ये सिस्टम है, शुरू में थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन एक दफ़ा आपको समझ आ जाए ना गेम, तो भाई समझ ही आ जाती है। तो यार नींद में बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा हूँ मैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज एनर्जी साइनिंग आउट।